ले चलो इसे। मैंने तुझसे कहा था डबल क्रॉस मत करना। इनके साथ मिलकर फंसाया ना तूने मुझे। यही प्लान था हमारा, पिछली बार तू बच गया। पिछली बार भी हम फंसाना चाहते थे लेकिन तू हमसे आगे निकला और हम हमारे रोहन को खो बैठे। लेकिन इस बार हम तुझसे दो कदम आगे निकले। हाँ, नतीजा तेरे सामने। लंबा गया बेटा तू। बहुत बड़ी गलती की है तूने। गलती तो तूने की है मेरे भाई को मारकर। आज मेरा बदला पूरा हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डबल क्रॉस करने की? जानता नहीं मैं कौन हूं, पर बात कर दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं, समझा? मनीष, मुन्ना। अरे क्या हुआ शमशाद भाई, सब ठीक तो है ना? भाई कहाँ है? तुमने भाई को बाहर जाते हुए देखा? हमें तो नहीं पता। और हुआ क्या भाई? अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, भाई बिना बोले कहीं चले गए। भाई का फोन क्यों नहीं उठा रहे भाई यार? आज जैसे इसे पकड़वाया है ना, वैसे ही धीरे धीरे इसके सारे पर्दे फाश करूंगी मैं। एक एक गुनाह की सजा दिलवाऊंगी इसे। अरे ये क्या तकलीफ पहुंचाएगा? तकलीफ तब इसे होगी पूरी जिंदगी। तू सबूतों की बात कर रहा है, अगर सबूत ना भी देना बेटा तो सबसे बड़े सबूत तूने खुद दे दिए अपना गुनाह कबूल करके। तू तो अगले जन्म बच गया। हाँ साहिशा, अब तू नहीं बच सकता क्योंकि तूने जो कुछ भी अभी रमन से कहा वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। जितने मासूमों की जिंदगी तूने लिया ना वो बम प्लांट करके, उन सबका बदला चुकाएगा तू। हेलो, तुम्हारा बॉस वहीं जा रहा है जहां उसे होना चाहिए। कौन बोल रहा है? भाई कहाँ है? तुम कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात कर रहे हैं? साहिल शाह को हमने अरेस्ट कर लिया। क्या? साहिल, तुम्हारे इस चमचे को तुम्हें छुड़ाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। लगता है इसे बहुत गहरा सदमा हुआ है, पागल हो गया है। कौन पागल हो गया है बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और इशिता भल्ला, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बहुत शातिर समझते हो ना तुम सब अपने आप को। अब देखो मैं क्या करता हूं। जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब मेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाओगे। कमिश्नर साहब, इससे पहले कि इसका फैसला यहां हो जाए, ले जाइए इसे। ले चलो इसे। करण, I'm proud of you। साहिल शाह बहुत खतरनाक है, वो जो बोलता है वो करता भी है। अगर सच में उसने कुछ किया हमारे खिलाफ तो? साइन कीजिए। विशाल, डरो मत, अब तो कमिश्नर साहब भी हमारे साथ हैं। साइन करो, डोंट वरी। जो भी कुछ सस्ता मैंने सब बता दिया, पर अपनी गवाही पे मैंने साइन भी कर दिया है। कमिश्नर साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साहिल को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुस्कान की मौत विशाल के हाथों हुई, वरना आप जानते हो वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि विशाल उसका परिवार तकलीफ में है। देखिए, मुस्कान ने पहले इसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है, अभी वो रिहैब में है, वहाँ रिकवर कर रहा है। हम नहीं चाहते कि उसे कोई तकलीफ आए, प्लीज आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? डोंट वरी शिता जी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और विशाल, तुम्हारी सजा कम करने के लिए मैं लीनियंसी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और तुम शहर से बाहर मत जाना क्योंकि कोर्ट में गवाही देने आना पड़ सकता है। और मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूं कि तुम और तुम्हारे भाई के साथ
पूरा न्याय होगा। अब तो कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं कि उन्हें भी पता है कि जो कुछ हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कमिश्नर साहब। वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत जल्दी मेरे आदमी मेरी बेल करवाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सॉरी साहिल, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं इतनी तगड़ी चार्जशीट बनाने वाला हूँ तुम्हारे खिलाफ कि तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। इनफैक्ट मैं स्पेशल परमिशन लेने वाला हूँ जज से, तो तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आदत डाल लो यहाँ रहने की। बहुत भोला है रे तू कमिश्नर। जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम लोगों को मेरी खातिरदारी करनी है तो अभी कर लो, क्योंकि ये पंछी उड़ने वाला है। इसे कैद में रहने की आदत नहीं। बस थोड़ी देर और रुक जाओ। ये बहुत अच्छा हुआ, फाइनली साहिल शाह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। बहुत अच्छी खबर मिली है ये। हाँ पापा, लेकिन पूरा ट्रेंड करण को जाता है। अगर करण ने हमारा साथ नहीं दिया होता, हाँ हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया होता, तो शायद हम कभी नहीं कर पाते। ऐते तू बड़ा ही चंगा काम किता है पुत्र। नहीं दादी, इट्स नॉट अ बिग डील। और देखो हाईलाइट क्या थी इस पूरे इंसिडेंट की। ये जो रमन और इशू के साथ झगड़ा कर रहा था, सब कुछ नाटक था। हम लोगों को एक सेकंड के लिए भी नहीं पता लगा कि ये असलियत में हो रहा है या नाटक हो रहा है। आमा, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। थैंक यू कन्ना, तुमने हम सबकी बहुत हेल्प की। प्लीज पार्टी, आप थैंक्स मत कहिए। मैंने जो भी किया ना अपने भाई के लिए किया। आज साहिल जेल में है ना, तो उसे देख के मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। आई जस्ट होप सबको करण से प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हें भी। करण, I'm so sorry, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब तुम एक्टिंग कर रहे थे। फालतू पे तुम पे ऐसे भड़क गए। मुझे सीरियसली नहीं पता था, खामखा मैंने ये सब करा। I'm really sorry. It's okay, रोही। तुम्हें तो पता ही नहीं था, और इनफैक्ट मैं डांटने की वजह से हमारा नाटक और रियल लगा। साहिल ने हम पे जल्दी भरोसा कर लिया। हाँ, बट आई एम स्टिल वेरी सॉरी करण, बट आई एम वेरी ग्लैड ऑल्सो कि तुम अब हमारे साथ हो और पापा और रश्मा के प्लान में शामिल हो। पर तुम जैसे हो ना बहुत अच्छे हो, और ऐसे ही रहना प्लीज। हाँ तो मैं ऐसे ही रहूंगा जैसा तुम चाहती हो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।